नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल SSPS पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र, यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछे कि भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ परिभाषित है, तो आपका आंसर होगा भाग एक। भाग एक में भारत का राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। भाग एक में अनुच्छेद एक से चार तक अनुच्छेद दिए गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक में ये दिया गया है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। पहले अनुच्छेद में यहां पर दो दो प्रश्न बनते हैं कि भारतीय संविधान में भारत को किन नामों से बताया गया। तो भारतीय संविधान में भारत को भारत तथा इंडिया, भारतीय संविधान में भारत के लिए भारत तथा इंडिया दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हिंदुस्तान जैसे भारतवर्ष, भारतीय उपमहाद्वीप जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान में भारत को किन नामों से बताया गया है, अगर आपको ऑप्शन में आ जाए भारत तथा इंडिया, भारत इंडिया तथा हिंदुस्तान, भारत इंडिया हिंदुस्तान तथा भारतवर्ष, तो आपको ऑप्शन भारत तथा इंडिया ये टिक करना है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को अगर आपको पूछे कि भारत को राज्यों का संघ कहने का मतलब क्या है, तो भारत के संदर्भ में यूनियन ऑफ द स्टेट्स एक शब्द होता है, तो एक शब्द होता है यूनियन, एक शब्द होता है फेडरेशन। अंग्रेजी भाषा का एक शब्द होता है यूनियन और एक शब्द होता है फेडरेशन। इन दोनों का हिंदी में अर्थ है संघ। भारतीय संविधान में भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, न कि फेडरेशन शब्द का। यूनियन शब्द का प्रयोग करने का अर्थ ये है कि भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अतः कोई भारत से कोई भी इकाई अलग नहीं हो सकती। इसी कारण भारतीय संविधान में भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि अमेरिकी संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया। फेडरेशन शब्द का अर्थ ये कि बहुत सारी इकाई आई हो, यानी बहुत सारी इकाई मिली हो और वो किसी समझौते के तहत मिली हो। यदि किसी इकाई को लगता है कि वो उसी राज्य से अलग होना चाहिए, तो वो इकाई उसी राज्य से अलग हो सकती है। तो अमेरिकी संविधान में फेडरेशन शब्द का उपयोग किया गया, जबकि भारतीय संविधान में यूनियन शब्द, पहली बात ये। दूसरी बात इसमें ये स्पष्ट होती है कि भारत को राज्य का संघ कहा गया है, तथा आगे अनुच्छेद एक में आगे ये दिया गया है कि भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित है। अनुच्छेद एक की पहली लाइन, भारत इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, आगे लिखा हुआ है भारत के राज्य क्षेत्र में। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, संघ शासित प्रदेश, तथा वे सब प्रदेश जो एक्वायर किए गए हैं, अर्जी प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद कि भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ परिभाषित है, तो आंसर होगा अनुच्छेद एक। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत के राज्य क्षेत्र को अनुच्छेद एक में परिभाषित किया गया, इसका अर्थ क्या गया, अर्थ क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र का अर्थ है कि भारत में के राज्य क्षेत्र में राज्य शामिल होंगे, संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे, और वे सभी प्रदेश होंगे जो अर्जित किए गए, एक्वायर किए गए प्रदेश शामिल होंगे। अनुच्छेद दो, आर्टिकल दो, अनुच्छेद दो में उन अनुच्छेद दो यानी ये अनुच्छेद एक का भारत है, जैसे कि 28 राज्य प्लस 8 संघ शासित प्रदेश, ये अनुच्छेद एक का भारत है। अनुच्छेद दो में इस बात का उल्लेख है कि यदि इस भारत के राज्य क्षेत्र में यदि कोई बाहरी प्रदेश, ये बाहरी राज्य किसी, जैसे कि पाकिस्तान का ये प्रदेश है, पाकिस्तान का प्रदेश को शामिल भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करना है, या फिर ये मालदीव है, मालदीव का यदि कोई राज्य या फिर कोई भी प्रदेश भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करना है, या फिर ये श्रीलंका है, श्रीलंका का यदि कोई पर्टिकुलर स्टेट्स या फिर राज्य हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करना है, तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद दो में। यदि आपसे पूछे कि अनुच्छेद दो में क्या उल्लेख, किस बात का उल्लेख है, तो अनुच्छेद दो में किसी बाहरी प्रदेश को
किस प्रकार से शामिल किया जाएगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसका उल्लेख अनुच्छेद दो में है। उसकी प्रोसेस क्या होगी कि संसद कानून बनाकर ये तय करेगी, संसद द्वारा कानून बनाकर ये उसकी प्रक्रिया होगी। संसद द्वारा कानून बनाकर किसी भी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाया जा सकता है। अनुच्छेद तीन में जैसे कि ये हमने पढ़ा कि अनुच्छेद दो का ये भारत 28 राज्य प्लस 8 संघशासित प्रदेश, यदि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार का यदि परिवर्तन करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका उल्लेख अनुच्छेद तीन में। परिवर्तन क्या होगा, जैसे किसी नए राज्य का गठन करना, किसी नए राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, इसकी क्या क्या प्रोसेस होगी, उसका उल्लेख अनुच्छेद तीन में दिया गया है। अनुच्छेद तीन में इस बात का उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख है, और वो प्रक्रिया क्या होगी कि संसद में इस संदर्भ में विधेयक रखा जाएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि संसद में विधेयक रखने से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय जरूर लेंगे। जैसे कि यदि राजस्थान का नाम परिवर्तन करना है, राजस्थान का नाम परिवर्तन करके यदि मरु प्रदेश करना है, तो राष्ट्रपति राजस्थान के विधानमंडल से राय लेंगे कि हम आपके राज्य के नाम में परिवर्तन कर रहे हैं। वो राय राष्ट्रपति या संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद तीन में और किस बात का उल्लेख है, अनुच्छेद तीन में जैसे किसी नए राज्य का गठन करना है तो उस राज्य का गठन के संदर्भ में संसद में विधेयक रखा जाएगा। विधेयक रखने से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल से राय लेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे आंध्र प्रदेश का विवाद देखा हमने 2014 में, जून 2014 में हुआ। जैसे राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के विधानमंडल से राय ली कि हम आपके राज्य में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी आपके राज्य को विभाजन कर रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश की विधानमंडल ने प्रस्ताव पारित करके ये मना भी कर दिया कि हम आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ने विभाजन किया। ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो राय माने या ना माने। नेक्स्ट अनुच्छेद चार, आर्टिकल 4। अनुच्छेद चार में अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 कहता है जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अर्थात अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी हम परिवर्तन करेंगे उस पर जो अनुच्छेद 368 में बातें लिखी गई है उन बातों की प्रक्रिया लागू नहीं होगी।